सेना, नौसेना और वायुसेना में गैर अधिकारी रैकों को शामिल करने के लिए मौलिक रूप से अलग अग्निपथ भर्ती योजना किसी भी तरह से अचानक नहीं आई है। इसकी तैयारी पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सैन्य भर्ती नीति में बदलाव का पहला विचार उभरा। इसे कारगिल समिति, अरुण सिंह समिति और शेखरकर समिति सहित कई समितियों और आयोगों में अभिव्यक्ति मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। इससे पहले 2 साल से अधिक समय तक इस पर गहन विचार विमर्श और चर्चा हुई। इसको लेकर कुल 254 बैठकें हुई, जिसमें 750 घंटे लगे। तीन सेनाओं में सबसे अधिक बैठकें हुई, जहां 150 बैठकों में लगभग 500 घंटे लगे। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 60 बैठकें बुलाई, जिनमें 150 घंटे लगे, जबकि सरकार ने 100 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। इसके लिए करीब 44 बैठकें आयोजित हुई है। बैठकों के दौरान अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के सैन्य भर्ती मॉडल का अध्ययन करने पर बड़ा जोर दिया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण अभी भी प्रगति पर है। अग्निपथ योजना के तहत पहले वर्ष में 50,000 अग्निवीर भर्ती करने का प्रस्ताव है। इन्हें अन्य भर्ती प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा, सैन्य प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया। विशेष बलों के प्रशिक्षण विवरण को गुप्त रखा जाता है। प्रशिक्षण मॉडल के सटीक और बारीक विवरण पर अभी भी काम किया जा रहा है। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।